इस तरीके से सीटें बटी तो बिहार में बड़ी मुसीबत में फंस सकती है भारतीय जनता पार्टी। महागठबंधन से टकराने के पहले ही उनका कुनबा तितर बितर हो सकता है। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक एनडीए बीजेपी के गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो उनके सहयोगी दलों के लिए चौंकाने वाला है, सहयोगी दलों को परेशान करने वाला है और सहयोगी दलों के स्वाभिमान को झिझोड़ने वाला है। ऐसे में परिस्थिति क्या बनेगी वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। देखिए, हम आपको बताते हैं कि बिहार में किस समाज का कितना वोट बैंक है। दरअसल जो भी बिहार में राजनीतिक पार्टियां हैं जातीय समीकरणों के आधार पर ही बनी है। अब बात कर ले चिराग पासवान की पार्टी या पशुपति कुमार पारस की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों की, तो ये पासवान वोट बैंक के आधार पर बना हुआ है। मुकेश सहनी की बात कर ले तो ये मल्लाह समाज के वोटों के आधार पर या उसी समीकरण के हिसाब से बना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर ले तो कुशवाहा समाज के वोटों के हिसाब से, उनकी जनसंख्या के हिसाब से ये पार्टी बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में जो खबर नेशनल मीडिया, बिहार की लोकल मीडिया में आ रही है कि 30 सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ेगी और बाकी 10 सीटें सहयोगियों में बांट दी जाएगी। कहा जा रहा है कि 6 सीटें लोजपा की, जो दोनों गुट हैं लोजपा के, जो दोनों गुट हैं चिराग पासवान का गुट और पशुपति कुमार पारस का गुट है, दोनों गुटों के बीच 3-3 सीट बांट दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट दी जाएगी, मुकेश सहनी को 1 सीट दी जाएगी और जीतन राम मांझी को भी 1 सीट दी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जातियों के आधार पर जो ये पार्टियां बनी हैं उनके वोटर और समर्थक कितने संतुष्ट हो पाएंगे, और इस तरीके से सीटें बटेंगी तो असंतोष के नाम पर बीजेपी का कोर वोटर तो इनको वोट दे देगा, लेकिन ये वोटर जो है, जैसे लोजपा का पासवान वोटर हुआ, उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा वोटर हुए हैं, मुकेश सहनी के मलाह वोटर हुए हैं, क्या वो लोग वोट दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को? असंतोष की जो स्थिति बनेगी, वैसी स्थिति में तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए, दैनिक भास्कर की को हमने खंगाला, बिहार में पासवान समाज का 4% वोट है। हम किसी भी जातीय समुदाय का वोट बैंक बताने के पहले आपको बता दें कि लगातार लोग दावे करते हैं कि हमारी जाति का 20% वोट है, 30% वोट है, 14% वोट है, 8% वोट है, इतना वोट होता नहीं है। हालांकि जाति की जनगणना हुई भी नहीं है, लेकिन हमने गूगल किया, सर्च किया, अलग अलग अखबार, अलग अलग एजेंसियों के सर्वेक्षण के अनुसार जो सर्वे हैं, हमने जातियों के वोट बैंक को आपके सामने रखा है। पासवान समाज के पास 4% वोट बैंक है पूरे बिहार में और सीटें उनको 6 दी जा रही हैं, 3 चिराग को 3 पारस को, जबकि कुशवाहा समाज का वोट प्रतिशत 8% के आसपास है बिहार में, यानी कि मुस्लिम और यादव के बाद सबसे बड़ा जातीय समूह जनसंख्या के हिसाब से बिहार में कुशवाहा समाज है। और कुशवाहा समाज की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा, उनको 2 सीटें दी जा रही हैं। 4% आबादी वाले पासवान समाज को 6 सीटें और 8% आबादी वाले कुशवाहा समाज की पार्टी को महज 2 सीटें। और इसी तरह बात कर लेते हैं मल्लाह समाज की, तो उनके पास भी 4% वोट बैंक है, तो 4% वोट बैंक है, उनको 1 सीट दी जा रही है मुकेश सहनी को, जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन खबरें यही चल रही हैं। अब मल्लाह समाज के पास भी उतना ही वोट बैंक है जितना पासवान समाज के पास है, तो एक तरफ 6 सीटें है, दूसरी तरफ 1 सीट। और इधर पासवान समाज में भी परिस्थिति यह है कि जो पासवान समाज है वो पशुपति कुमार पारस को नेता मानता ही नहीं है, वो अपना नेतृत्व चिराग पासवान में देखता है, तो चिराग को भी 3, पशुपति कुमार पारस को भी 3, ये असंतोष की भावना को जगाता है। और ये असंतोष की स्थिति यहाँ तक हो सकती है कि बीजेपी के वोटर इन पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं गठबंधन की स्थिति में, लेकिन इन पार्टियों का जो वोटर है, पासवान समाज, कुशवाहा समाज, मल्लाह समाज, ये वोटर बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें बहुत बड़ा संदेह है। देखना दिलचस्प होगा ऊँट किस करवट बैठता है बिहार की राजनीति का। देश दुनिया और बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।